आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका में आज नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। बता दें कि पार्लियामेंट में सीक्रेट वोटिंग होगी। इसी के बाद स्पीकर नए प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देश को नए राष्ट्रपति के साथ ही नया प्रधानमंत्री भी मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि गौर से देखें तो सच्चाई सामने आती है, और वो ये कि सत्ता को जिस बंदर बांट में श्रीलंका को इन हालात में पहुंचाया, वही स्थिति अब भी है। माना जा रहा है कि दुलुस अल्परुम्मा नए राष्ट्रपति बन सकते हैं, नए प्रधानमंत्री के तौर पर सजिश प्रेमदासा कुर्सी संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर श्रीलंकाई नेता एक बार फिर वही मैच फिक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसके चलते देश इस बेहतरीन दौर तक पहुंचेगा। मंगलवार तक राष्ट्रपति की रेस में चार अहम नाम थे, रानिल विक्रमसिंघे, दुलुस अनुरा कुमारा और सजिश प्रेमदासा। इनमें से भी दो नाम प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थे। बता दें कि दुलुस और सजिए प्रेमदासा हुआ ये कि साजिश ने नाम वापस ले लिया और प्रेसिडेंट पोस्ट की रेल से बाहर हो गए। सेटिंग नहीं होती नजर आती है। दरअसल श्रीलंका की रिपोर्ट बताती है कि सजित के नाम पर वापस इस शर्त पर लिया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए दुलुस की पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी और रानिल विक्रमसिंघे सबसे काबिल होते हुए भी इस सियासी खेल में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अनुरा कुमारा के पास जरूरी समर्थन नजर नहीं आता। आखिरी वक्त पर कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, नीरज मेहरा। जी नीरज जी, बताएं क्या कुछ जानकारी आपके पास। लगातार श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट जारी है और इसी बीच आज राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। देखिए अर्चना, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से संकट का दौर चल रहा है श्रीलंका में, आर्थिक दिवालिया हो चुका है श्रीलंका, और देखिए आज राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। वैसे तो श्रीलंका में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन क्योंकि श्रीलंका इस समय आर्थिक दिवालिया से गुजर रहा है, वहां के हालात बहुत ज्यादा विकृत है, और जिस तरह से लोगों ने वहां पर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास किया और सत्ता पर काबिज हो गए और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, तो इसी के चलते जो वहां पर अब सिर्फ संसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, इस बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होकर संसद चुनाव करने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो वहां पे राष्ट्रपति के साथ ही नया प्रधानमंत्री भी आज ही चुन लिया जाएगा। इस तरह से नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयन के बाद ही श्रीलंका की नई जो राजनीति है वो सामने आएगी। क्योंकि देखिए अभी जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति भले ही कोई भी चुना जाए, उन्हें जो देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालना है जी, देश की जनता को भुखमरी से बाहर निकालना है, और वहां पर जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं उनको दुरुस्त करना है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे पहला काम होगा। हालांकि चुनाव में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, दुलुस अल्परुम्मा और साजिद प्रेमदासा, दुलुस का जो नाम है राष्ट्रपति पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। मतदान के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जहां जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए जो आपसी समझौता हुआ है उसके तहत दुलुस का नाम ही सामने आ रहा है। लेकिन हर्षदा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के हालात वहां पर वहां की जनता फेस कर रही है, सरकार फेस कर रही है, उनके चलते उनके सामने चुनौतियां बड़ी है। पद बड़े ही बड़ा मिल रहा हो, राष्ट्रपति पद पर चुने जा रहे हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालना, दिवालियापन से बाहर निकालना, लोगों को भुखमरी से बचाना है, उसके बाद तमाम चीजों पर वहां का फोकस होगा, और आज के चुनाव के बाद श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला। हर्षदा जी, नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे फोनलाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आज राष्ट्रपति चुनाव होना है श्रीलंका में, और आज श्रीलंका को नया राष्ट्रपति और नया प्रधानमंत्री भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट जारी है, उसी बीच आज चुनाव है, तो इसके बाद आज तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि कौन होगा राष्ट्रपति श्रीलंका का